नमस्कार साथियों, आप सबको नीतू वास्तु चैनल में स्वागत है। जो शनि के जातक होते हैं वह बहुत ही दमदार पर्सनालिटी के होते हैं, यानी कि दमदार व्यक्तित्व के होते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होता है और ये पावर कौन देता है? शनि देता है। और राजनेता भी बनते हैं या कोई बड़ा एक्टर बनते हैं या उनके नाम चारों तरफ रहते हैं, नेम फेम पावर सब कुछ मिलता है, क्योंकि शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है। तो आज हम शनि की ही बात क्यों कर रहे हैं? आज हम शनि की भी बात करेंगे, शुक्र की भी बात करेंगे, जो हमें लग्जरियस जिंदगी देता है, आकर्षण शक्ति देता है। शनि आपके ऊपर अगर मेहरबान है तो आपको वो लीडर बनाते हैं, पर्सनालिटी को निखारते हैं, दमदार पर्सनालिटी बनाते हैं, फेमस बनाते हैं, चारों ओर आपका नाम और काम दोनों होता है। आज मैं जिस उपाय की बात कर रही हूँ, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाएगा, आपको दमदार बनाएगा, आपका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा, आपके चारों ओर नेम फेम सभी कुछ रहेगा, आपके बिजनेस में उन्नति होगी, आप भीड़ से बिल्कुल अलग, यानी कि भीड़ से अलग दिखेंगे। ये उपाय इतना पावरफुल है, इसे आपको सिर्फ तीन चीज़ों से करना है। अगर आप ये उपाय करती हैं तो 7 दिनों में आपको फ़र्क जरूर दिखेगा। अगर आपको विश्वास ना हो मेरी बातों पे तो आप ये करके देखें। इसके लिए आपको कांच की कोई भी बॉटल लेनी है, जिसे अच्छे से साफ कर ले, क्लीन कर ले, क्योंकि कांच रिप्रेजेंट करता है शनि को और ग्रह शुक्र ग्रह को मजबूत करना है। कोई भी नमक आप कभी भी स्टील के बर्तन में, चाहे आप प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी नहीं रखें, उसे कांच की ही बॉटल में रखें, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक में चाहे स्टील में चाहे कोई अन्य बर्तन में रखते हैं तो उससे नेगेटिविटी बढ़ती है। अगर आप कांच की बॉटल में रखते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, घर में आपका वातावरण शुद्ध होगा। और उसके बाद आपको लेना है सेरेमन, यानी कि दालचीनी लेनी है और आपको जायफल लेनी है। दालचीनी जो हमें शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और जायफल जो आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है। अब आपको लेना है कांच की बॉटल और उसमें आपको रखना है सेरेमन, यानी कि दालचीनी को डालना है और ये जायफल आपको डालना है। और एक काम आप और भी कर सकते हैं, आप एक छोटा सा वाइट पेपर लें, उसमें रेड पेन से अपनी विश को लिखें। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो सक्सेस लिखें, जॉब चाहते हैं तो जॉब लिखें, मनी चाहते हैं तो मनी लिखें, या पावर चाहते हैं तो पावर लिखें। एक वर्ड में लिखना है। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं और बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। उसके बाद इसे रखना कहाँ है? इसे आपको बंद करके इसे अपने सामने रखना है, जिसे आप बार बार देख सके। इसको आपको उस स्थान पर रखना है जहाँ आप इसे हमेशा आपकी नज़र पड़ती रहे, आपकी दृष्टि पड़ती रहे। अगर आप टेबल पर बैठ के काम कर रहे हैं तो इसे टेबल पर रखें, या आप अपने पैसे रखने के स्थान पे भी रख सकते हैं। अगर लेडीज़ है जो घर पे बैठ के काम करती है तो उसे आप पूजा घर में रख सकते हैं, ताकि आपकी नज़र बार बार पड़ते रहे और आपको पावर मिलता रहे, क्योंकि इसमें शनि है, शुक्र है और आकर्षण बुध को माना जाता है तो बुध भी है। तो आपको इसे ऐसे स्थान पर रखना है कि जहाँ से आप इसे देखते रहें और आपको एनर्जी मिलते रहे। इसे आप रखते हैं तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, आपके जीवन में एक अजीब सा पावर आता है जिससे आप आगे बढ़ने की क्षमता रखता है और आप
इसे करके देखिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, आप खुद अनुभव करेंगे। तो आप ये सिंपल सा उपाय जरूर कीजिएगा। जय माता दी।